बच्चों आज मैं कवि बिहारी जी द्वारा रचित दोहे लेकर के उपस्थित हुई हूँ सबसे पहले हम बिहारी जी का जीवन परिचय जानेंगे बिहारी जी का जीवन काल सन पंद्रह से सोलह तक का माना जाता है बिहारी जी का जन्म सन पंद्रह में ग्वालियर में हुआ था जब बिहारी सात आठ साल के ही थे तभी इनके पिता ओरछा चले गए जहां बिहारी ने आचार्य केशव दास से काव्य शिक्षा पाई यहीं बिहारी रहीम के संपर्क में आए बिहारी ने अपने जीवन के कुछ वर्ष जयपुर में भी बिताए बिहारी रसिक जीव थे इनका स्वभाव विनोदी और व्यंग्यप्रिय था सन सोलह में इनका देहावसान हुआ बिहारी की एक ही रचना सतसैया उपलब्ध है जिसमें उनके बनाए 700 दोहे संग्रहित हैं लोक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान के साथ ही बिहारी का काव्य ज्ञान भी बहुत अच्छा था इनकी कविता रस की है बिहारी की भाषा बहुत कुछ शुद्ध ब्रज है इनकी भाषा में पूर्वी प्रयोग भी मिलते हैं बुंदेलखंड में अधिक दिनों तक रहने के कारण बुंदेलखंडी शब्दों का प्रयोग मिलना भी स्वाभाविक है बिहारी जी की एक खास विशेषता कि वे गागर में सागर भरने में निपुण थे बिहारी जी द्वारा रचित दोहे बिहारी सतसई से लिए गए हैं। कविता में संकलित दोहे भिन्न भिन्न विषय से संबंधित हैं तथा गहन अर्थ को लिए हुए हैं बिहारी यद्यपि मुख्य रूप से श्रृंगार परक दोहों के लिए जाने जाते हैं किंतु उन्होंने लोक व्यवहार नीति ज्ञान आदि विषयों पर भी अपने विचार व्यक्त किए हैं तो आइए पहले हम पहला दोहा पढ़ते हैं एक एक करके दोहे पढ़ने के बाद हम उनके अर्थ को जानेंगे बिहारी जी द्वारा इस कविता में संकलित पहला दुआ है सोहत पीतु पर कठिन शब्दों के अर्थ सोहत अच्छा लगना ओढ़े ओढ़कर पीतु पीला पटु कपड़ा श्याम श्री कृष्ण सलोने सांवले रंग के गात शरीर नील मनी सैल नील मणि पर्वत आतपु धूप प्रभात सुबह प्रस्तुत दोहे में कवि श्री कृष्ण जी के शरीर की सुंदरता का बखान करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण जी के सांवले शरीर पर पीले रंग के वस्त्र बहुत अच्छे लग रहे हैं ऐसा लग रहा है मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ रही हों व अपनी स्वर्णिम आभा पर्वत पर बिखेर रही हों पर श्री कृष्ण जी के सांवले शरीर को नीलमणि पर्वत तथा पीले वस्त्र सूर्य की धूप को कहा गया है आइए अब दूसरे दोहे की तरफ बढ़ते हैं कहलानी एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ जगतु तपोवन सो किो दीर्घ दाग निदाग शब्दों के अर्थ एकत इकट्ठे बसत रहते हैं अहि सांप मयूर मोर मृग हिरण तपोवन जहां तपस्वी रहते हैं दीर्घ दाग बहुत गर्मी निदाग ग्रीष्म ऋतु प्रस्तुत दोहे में कवि ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए इस प्रकार कहते हैं कि भीष्ण गर्मी से बेहाल होकर सांप मोर हिरण और बाघ एक साथ बैठे हुए हैं कवि कहते हैं कि प्रचंड गर्मी के कारण जंगल तपोवन की तरह हो गया है कि जिस प्रकार तपोवन में सभी आपसी द्वेष भुलाकर एक साथ रहते हैं उसी तरह गर्मी से बेहाल ये जानवर भी आपसी द्वेष को भुलाकर एक साथ बैठे हुए हैं आइए अगले दोहे की तरफ बढ़ते हैं अगला दोहा इस प्रकार है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सोह करे भौनु हसे दैन कहे नट जाए कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं: बतरस बात चीत का आनंद लाल श्री कृष्ण मुरली बांसुरी लुकाई छुपाना सौ शपथ भौहनु भौह से नटी जाए मना कर देना प्रस्तुत दोहे में कवि गोपियों द्वारा श्री कृष्ण जी की बांसुरी चुराए जाने का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण से बात करने के लालच में उनकी बांसुरी को चुरा लिया एक और वह श्री कृष्ण के सामने बांसुरी ना चुराने की कसम खाती हैं, तो दूसरी और भौहों से संकेत भी देती हैं कि मुरली उन्हीं के पास है जब श्री कृष्ण बांसुरी उन्हें वापस देने को कहते हैं तो वे साफ इनकार कर देती हैं वस्तुतः गोपियाँ इस प्रकार का व्यवहार इसलिए करती हैं ताकि श्री कृष्ण उनसे बांसुरी पूछने के बहाने उनसे बातें करते रहें इसी बहाने वे उनके समीप आए अगला दोहा इस प्रकार है कहत नटत, रीजत, खीजत, मिलत खिलत लजियात भरे भौन में करत हैं नैनु ही सब बात कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं कहत कहना नटत इनकार कर देना रिझत मोहित होना मिलत मिलना लजियात शर्मा जाना या शर्मा जाती है भरे भौन लोगों से भरा भवन सगे संबंधियों से भरा भवन नैननु आंखों से प्रस्तुत दोहे में कवि ने नायक नायिका की आँखों आँखों में चलने वाली बातचीत का सुंदर वर्णन किया है कभी कहते हैं कि नायक सगे नायिका से, से, से प्रणय निवेदन करता है नायिका तुरंत मना कर देती है नायक नायिका के मना करने के ढंग पर प्रसन्न हो जाता है उसकी प्रसन्नता देख नायिका खींच जाती है तब दोनों की आंखें मिलती हैं तथा दोनों की आपस में स्वीकृति मिलने पर दोनों के ही चेहरे प्रसन्नता से खिल जाते हैं तब नायिका लज्जा जाती है इस प्रकार सगे संबंधियों से भरे भवन में नायक और नायिका नेत्रों के संकेत से बातें कर लेते हैं अगला दोहा है बैठी रही अति सघन बन पैठी सदन तन माह देखी दोपहरी जेठ की छाहो चाहती छाह कठिन शब्दों के अर्थ सघन घना बन जंगल पैठी प्रवेश करके सदन तन भवन के भीतर जेठ गर्मी का महीना छाहो छाया भी प्रस्तुत दोहे में जेठ के महीने की प्रचंड गर्मी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि जून के महीने की दोपहर की गर्मी इतनी अधिक हो रही है कि छाया भी मानो छाया ढूंढ रही है अर्थात वह भी गर्मी से बचने के लिए जगह तलाश रही है वह या तो किसी घने जंगल में मिलेगी या किसी के घर के भीतर अगला दोहा इस प्रकार है कागद पर लिखत न बनत कहत संदेश कही है सब तेरों मेरे ही की बात कठिन शब्द अर्थ कागद कागज संदेशु संदेश कही है कह देगा ही, यो, ही ये दिल प्रस्तुत दोहे में कवि नायिका की विरह की दशा का वर्णन करते हुए इस प्रकार कहते हैं कि नायिका अपने विरह की पीड़ा को कागज पर लिख नहीं पा रही है तथा वह कहकर संदेश भेजने में भी शर्मिंदगी महसूस कर रही है अतः वह नायक से कहती है कि मेरे दुख को तो आप भी भली भांति समझ सकते हैं क्योंकि मेरे विरह में जो स्थिति आपके हृदय की है आपके विरह में वही स्थिति मेरे हृदय की भी है अगला दोहा प्रगट भय द्विज राज शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। प्रकट भये प्रकट हुए द्वेज राज कुल ब्राह्मण या चंद्रमा का कुल सुबस अपनी इच्छा से कृष्ण के कवि बिहारी हैं उनके पिता का नाम है तो प्रस्तुत दोहे को कवि कृष्ण से अपने कष्ट की कष्ट दूर करने की बात करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण बिहारी जी के पिता का नाम केशव राय है तथा श्री कृष्ण का एक नाम केशव है अतः कवि कहते हैं कि आप मेरे पिता के समान हैं इसलिए आप ही मेरे सारे कष्टों का निवारण कर दें कष्टों का नाश कर दें। अगला दोहा इस प्रकार है जप माला छापे तिलक सरेना एको कामो, मन कांचे नाचे सांचे रांचे रामो कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं जप जब माला जपने की माला छापे छापा यानी कि राम नाम का छापा धारण करना सरे पूरा होना एक एक भी मन कांचे बिना सच्ची भक्ति वाला मन वृथा बेकार सांचे सच्ची भक्ति वाला रांचे प्रसन्न होता है। प्रस्तुत दोहे में कवि बाहरी ढोंग के स्थान पर सच्चे मन से ईश्वर भक्ति करने की बात पर बल देते हुए इस प्रकार कहते हैं कि केवल ईश्वर के नाम की मोतियों की माला जपने से या ईश्वर के नाम का छापा धारण कर लेने से तथा तिलक लगाने से ईश्वर भक्ति का कार्य पूरा नहीं होता यदि मन में ईश्वर के लिए सच्चा विश्वास ना हो तो उनकी भक्ति में नाचना भी व्यर्थ है इसके विपरीत जो सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करते हैं ईश्वर भी उन्हीं पर ही प्रसन्न होते हैं धन्यवाद